नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेब लाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत दलित चेतना कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में कि कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्तर पर करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य अकादमी ने ऑनलाइन कार्यक्रमों की योजना बनाई और इसकी शुरुआत हमने 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर की, जब हमने कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के विचारों की रिकॉर्डिंग मंगाकर उसे हमारे वेबसाइट्स पर अपलोड किया। और बाद में हमने सोचा कि इस तरह के कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं, उसका सिलसिला आरम्भ किया जा सकता है, कार्यक्रमों को लाइव भी प्रसारित किया जा सकता है और उसकी प्री रिकॉर्डिंग करके बाद में उसे श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उस कड़ी में, ऑनलाइन कार्यक्रमों की कड़ी में, दलित चेतना श्रृंखला के अंतर्गत यह पहला कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि अकादमी द्वारा दलित स्वर को सामने लाने के लिए काफ़ी पहले से ही निरंतर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। अकादमी ने अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं दलित साहित्य के, हिंदी दलित साहित्य को लेकर के, दलित कहानी के संचयन को लेकर के, और भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, दूसरी भाषाओं में भी संगोष्ठियों का आयोजन, रचना पाठ का आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम लगातार किए जाते रहे हैं कई दशकों से। लेकिन पिछले वर्ष एक अलग तरह का प्रोग्राम हमने शुरू किया अगस्त महीने में कि दलित चेतना नाम से जो हमारी कई कार्यक्रम श्रृंखलाएं हैं, तो एक कार्यक्रम श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ दलित चेतना को स्वर देने के लिए दलित चेतना नाम से शुरू किया गया और उसकी मासिक आवृत्ति हम लोग करते थे। फिर बाद में उसे हमने दूसरी भाषाओं तक भी पहुँचाया। हमारे प्रधान कार्यालय के अलावा जो दूसरे कार्यालय हैं उन कार्यालयों से भी हमने कार्यक्रमों के आयोजन शुरू किए और इसका बहुत स्वागत हुआ साहित्य समाज में और इसकी अनुगुण दूर तक बनी रहे, आगे तक सुनाई देती रहे, इसका प्रयास हम करेंगे। तो आज के इस दलित चेतना कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं जो दलित चेतना के संवाहक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर जयप्रकाश खरगम जी, डॉक्टर मुसाफिर बैठा जी और श्री असंग घोष जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मुसाफिर बैठा जी से करना चाहूँगा। डॉक्टर मुसाफिर बैठा दलित चेतना के विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं शीर्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संकलन आपके सह संपादन में प्रकाशित हुआ है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद सहित अनेक संस्थाओं के पुरस्कार और सम्मानों से आप विभूषित हैं। डॉक्टर मुसाफिर बैठा जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है कविता का प्लॉट। ये श्री पूजन सहाय की कहानी का प्लॉट से प्रभावित शीर्षक है, स्वाभाविक है। मेरा ओछा चेहरा ऐसे चमकता है जैसे मोची के ओछे हाथों पॉलिश पा कोई जूता। उधर वह शतरंज बाज है, बाज दफा ऐसे लगता है लगाता है शह। उधर वह शतरंज बाज दफा ऐसे लगाता है शह, जैसे बांध रहा हो मांस और घात का सदा पलीता। मैं ऐसे रीतना चाहता हूं इधर, जैसे रीतता है दिवस, बीतता है बरस माह, तयशुदा बारंबारता में अपनी लौट आने को। मैं ऐसे रीतना चाहता हूं इधर, जैसे रीतता है दिवस, बीतता है बरस माह, तयशुदा बारंबारता में अपनी लौट आने को। चाहता हूं मैं फिर ऐसे खोऊं ऐसे अपने अवगुण, चाहता हूं मैं फिर खोऊं ऐसे अपने अवगुण, जैसे खोता है झट वर्तमान बन समय बीता,
अपने अणु परमाणु जीवाश्म कभी न लौट कर आने को। चाहना है मेरी यह भी कि घातक क्रोध का मुझ में उतना भर जरूर रहे संभार, जितना एक सद्यह जन्मा शिशु का चलता है जगना, और संचित रहे मुझ में वाजिब गुस्से का आतप उस दीर्घ डिग्री का, जितना नवजन्मा शिशु का चलता है सोना। कवि, अब लो यह कविता का प्लॉट, और हो सके तो उठा लो इस पर उस शिखर कहानी कहानी का प्लॉट सी कोई कविता। दूसरी कविता है उधार की धार। इस कविता का शीर्षक भी, वो एक प्रभावित शीर्षक ही है, अरुण कमल की सेलिब्रिटी कविता अपनी केवल धार से। जो कुछ भी लोहा उनके पास था, था हम श्रमणों का छल कपट, छीन झपटिया फुसला बहला कर लिया या पाया हुआ उधार। कुछ भी नहीं सधाया लौटाया अब तक हमारा कर्जा उनने, उल्टे लोहे से हमारे बनाली हमारे विरुद्ध ही छुरी कटार से भी क्षिप्त चलने वाली उनने धार। और वे उधारी खा भी हमारी, हम पर ही नंगी तलवार सा तन गए। अगली कविता का शीर्षक है खारिज करने के तर्क। मुझे उसे समंदर बनाए जाने पर गहरा एतराज लगा, मैंने उसकी सही औकात की जगह दिखाने को उसे रेगिस्तान कहना चाहा। याद आया रेगिस्तान में भी दुबई कतर जैसी समृद्ध शहराती दुनिया है, दुनिया को गतिमान रखने के तेल खजाने हैं। मैंने उसे ताल तलैया की माफिक छोटा बताना चाहा, तब लगा कि नाहक ही तालाबों की औकात बताने में लगा। कितने काम के होते हैं तालाब, नास्तिक धर्मगंधी आदमी जीव जंतु चिड़ै चुनमुन रंग बदरंग सबके काम के होते हैं वे। नदी नाले आदि से भी उपमित कर उसे उसकी सही जगह दिखाने की तरकीब पर विचार किया, जाहिर है यह भी अनुचित जचा। नदी तो सभ्यताओं की जन्मदात्री ही है, और अंध मनुष्यों के आधुनिक असभ्य अंधविश्वासी कर्तव्यों के सिंचन का जरिया भी। और नाले चाहे खुद गंधाए, हम मनुष्यों की कई कई दुर्गंधों को पाटने में सहयोगी हैं। अंततः तय किया मैंने बिना मुहावरों कहावतों एवं दृष्टांतों के ही उसे सीधे साफ ही क्यों न खारिज किया जाए। तुम्हारा आईने अगली कविता का शीर्षक है। तुम्हारे आईने में जब बाबा साहेब का अक्ष तक खूबसूरत ना दिखे है तो मेरी बिसात क्या, तुम ऐसा आईना किस बाजार से खरीद लाते हो कि आईने के स्वभाव से अलग अपने हिसाब से चेहरे वहां बिछाते हो। अगली कविता, वो कई कविताओं की एक सीरीज है छोटी छोटी, वो हिसाब बेहिसाब शीर्षक मैंने उसका दिया है। एक, जमाना 21वीं सदी तक आधुनिक हो चला, गलीज परंपराओं से हिसाब बिछा कर कब तक चलते रहोगे हिसाबियों, आओ अब तो हो जाए हिसाब किताब बराबर। दो, हिसाब टटका टटका हो सकता है और बासी भी, और साहित्य टटका रचा होकर भी हो सकता है बासी ही। हर बासी का हम दलित लेखक टटका हिसाब करने में यकीन रखते। तीन, आपके पास आया कवि हिसाब के साथ प्रस्तुत हो सकता है और नहीं भी, जबकि श्रोता का हिसाबी होना लाजिमी है। चार, कभी तुम हो कि मैं, तुम्हें अपनी रचना में दलित को बरतने नहीं आता, हमें तुम्हारे हिसाब की कविता बनाने नहीं आता। पांच, हिसाब बिना प्रश्न लिए भी होते हैं,
और बिना उत्तर करने के भी। हिसाब बिना प्रश्न लिए भी होते हैं और बिना उत्तर करने के भी। छह, जीतन मांझी से आभाधारित दो हालिया हिसाब उद्भूत हुए। छुआछूत की रस्म अब भी दलितों पर तारी है और विदेशी मूल का भूत सताता द्विज दामनवादियों पर पक्का भारी है। सात, कहते हैं किसी रचना का मूल्य आंकते गणितीय हिसाबदारी नहीं चल सकती, मगर दलित रचनांकन तो पाई पाई का हिसाब जो होता है। आठ, आपके पास किसी के लिए जितनी संचित है घृणा है उतना ही प्रेम भी, अगर हिसाब तो लगाइए बेहिसाबी में किसका मोल कैसा है और है तौल कैसा। नौ, जहां दो और दो चार नहीं होता है वहां अक्सर मुनाफे का बेहिसाब सौदा होता है, गो कि बेहिसाब का भी अपना हिसाब होता है। अगली कविता है जाति जाति नहीं। जाति में मेरा भी अवश्य जन्म हुआ अवश्य, जाति में मेरा भी अवश्य जन्म हुआ अवश्य, जैसे कि आपका जाति मेरी भी हुई, किसी जाति का मैं भी हुआ, और यह होते ही तमाम अन्य जातों का मैं न हुआ, 6001 जातों से दूर हुआ मैं। मैंने जाति की भरसक हर चीज छोड़ी लेकिन जात ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और कहीं का न रख छोड़ा, जबकि मैं नास्तिक मात्र हुआ जीना चाहता हूं, जात और धर्म से साफ परे रहना चाहता हूं, और यह हक है मेरा लोकतंत्र में कि मनुष्य मात्र बनने के कर्तव्य पर रह सकूं, धर्म जात को लात मार सकूं, मगर यह लोकतंत्र हमारे ऐसे हकों की परवाह एवं कर्तव्यों की कद्र कहां करता, यह तो जात धर्म के बदबूदार प्रवाह से तवह मान है, जाति है कि जाति नहीं। अगली कविता है, छोटी कविता है समताप। मुझे उसने कुत्ता कहा, मैंने उसे कुत्ता का बच्चा, उसकी बात रिश्ते के बाहर थी मेरी अंदर, रिश्ते में उतरते हुए भी ताप के उत्तर में समताप हुआ जा सकता है। मुझे उसने कुत्ता कहा, मैंने उसे कुत्ते का बच्चा, उसकी बात रिश्ते के बाहर थी मेरी अंदर, रिश्ते में उतरते हुए भी ताप के उत्तर में संताप हुआ जा सकता है। धन्यवाद मुसाफिर जी। जी मित्रों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा असंग घोष जी को। असंग घोष जी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं और दलित चेतना का क्रांतिकारी स्वर आपकी कविताओं में दिखाई देता है और आंदोलित करता है श्रोताओं को, पाठकों को। आपके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हैं मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी उज्जैन और अन्य अनेक संस्थाओं के पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं। श्री असंग घोष। नमस्कार मित्रों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रतिबंधों की नींव। हम पर लादी हुई प्रतिबंधों की नींव में डाला गया बंधनों का पहला पत्थर, शिक्षा रूपी सीढ़ी से उतर मैं ही निकाल फेंकूंगा नींव से बाहर, तुझे भरभरा कर जमींदोज करने का मेरा इतना ही प्रयास काफी होगा। अगली कविता है, शीर्षक है जमकर विरोध करो। वे लाल सिर काली आंखों वाले खुखार राजगिद्ध के डेरों पर सवार होकर नीचे उतरे। उनके हाथों में कटारें थी, गुप्तियां थी, जिन्हें घोंप देना चाहते थे वे। नीचे उतरते ही किसी निरीह के पेट में अतड़ियां बाहर निकालने को वे उतावले थे। किसी बेकसूर का सर कलम करने को नाम पूछ पूछ कर आपस में इशारे किए जा रहे थे। कुछ हाथों में कोड़े लिए कतार में खड़े लोगों की पीठ पर मारते चमड़ी उधेड़ता हुआ कोड़ा तेज चीख के साथ साय की आवाज करता हुआ
रह रह कर लहरा जाता हवा में, वे कहते रहे मारते हुए, तुम्हारा काम पुश्तैनी से अलग हो ही नहीं सकता, खानदानी काम करने से फिर कभी इनकार करोगे तो बार बार इसी तरह मार खाओगे। उनके सोटे बरसते रहे, स्वीकार नहीं था उन्हें किसी भी दशा में कि हम पुश्तैनी काम से तोबा करें। हमारे हर नकार के बाद यूरेशियाई गिद्धों के साथ गठबंधन कर लाल सिर वाले काले राज गिद्ध के डेरों पर सवार हो, वे बार बार उतरे, कभी हमारे टोले में, कभी हमारी राहों पर, कभी हमारे कमठाने पर, कभी शाह नाले के पास, खून सनी लाशों पर झपट्टा मार जी भर नोचे। लाशें कभी विरोध नहीं करती, लाशें चुपचाप मुड़ती जाती है, लेकिन हम जिंदा लाश नहीं। विरोध करो, विरोध करो, उसके विरोध के आगे, तुम्हारे विरोध के आगे जल्दी ही थक जाएंगे। उनके थकते ही लाल सिर वाला राजगिद्ध भाग खड़ा होगा, अंततः जीत तुम्हारी ही हो। अगली कविता है, कहा था मंगल। मुझे नहीं पता कि मैं जब पैदा हुआ तो मंगल कहाँ था, किस ग्रह के आगे, किस ग्रह के पीछे, किस ग्रह के साथ ब्रह्मांड में मटरगस्ती कर रहा था। इसका पता मेरे माँ बाप को भी नहीं था, वरना वे मुझे पैदा करने के लिए ऐसा समय चुनते जब मंगल उनके पाँव में साष्टांग दंडवत होता। यह मंगल है कि अपनी अमंगलता में, अपनी मंगलता में मगरूर हो, पीला पीला होता हुआ करोड़ों मील दूर सूर्य से ऊर्जा ले चमक रहा है, किंतु उसे नहीं मालूम कि इस धरती पर एक पाखंडी उसके इस तरह चमकने का बेजा फायदा उठाता हुआ बिना बुलाए, बिना जाने, बिना पूछे मेरा जन्म अमंगल समय में होना बताने पर अड़ा हुआ है। वह जानता है उसके इसी अड़पने पर उसकी जेब का मंगल भी चमकेगा। उसके इस मंगल को अमंगल करना होगा मुझे, हाँ मुझे ही अमंगल करना होगा, उसे बताना होगा कि मैं नहीं मानता उसका यह ढोंग धतूरा। अगली कविता है, शीर्षक है मेरा चयन। पिता ने नींव को पत्थर पर घिस कर एक कलम बना मेरे हाथों में थमाई। पिता ने नींव को पत्थर पर घिस कर एक कलम बना मेरे हाथों में थमाई। पिता ने उसी लाल पत्थर पर रापी घिस कर मेरे हाथों में थमाई। पिता ने उसी लाल पत्थर पर रापी घिस कर मेरे हाथों में थमाई। मुझे पढ़ना और चमड़ा काटना दोनों सिखाया। इसके साथ ही दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने का विकल्प दिया और कहा, खुद तुम्हें ही चुनना है इन दोनों में से कोई एक। मैं आज कलम को रापी की तरह चला रहा हूं। अगली कविता है, धर्म तुम्हें तिलांजलि देता हूं। धर्म तुम भी एक हो मेरे पैदा होने के बाद जाति के साथ चिपकने लगे। कमबख्त जाति को मैं नहीं त्याग सकता, यह सदियों पूर्व से मेरे पुरखों के साथ थोपी गई है। यदि मैं जाति बोधक शब्द ना लगाऊं तो तुम्हारा खाक पुरोधा जासूसी कर मेरी जाति खोज लाता है, लेकिन मैं तुम्हें तो त्याग ही सकता हूं। भले ही तुम्हारा बाप बामन घड़ियाली आंसू बहाए, लाग कहे हमारा दोष क्या है, हम बामन के घर पैदा हुए, पर वह पीठ पीछे वार करना नहीं भूलता, तुम्हारा ठेकेदार जो है, फिर मैं तुम्हें क्यों न छोड़ूं, लो मैं तुम्हें तिलांजलि देता हूं। अंतिम कविता है, हम आसमान जोतेंगे। जमीन जोतने के बनिस्बत आसमान को जोतना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां कूड़ा भगवान रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठा है, इसलिए हमें उसी आसमान को जोतना है। इसी शाह आसमान में बैठा ईश्वर रात के कोहरे को हमारी सुबह पर फैलाता, हमारी धूप को लीनता हुआ हमें अछूत बनाता है। इस आसमान को गहरे से जोत कर उसका सिंहासन ध्वस्त करेंगे, खत्म करेंगे उसकी सत्ता, उसका कुटिल राज। हाँ, हम जोतेंगे आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद असंग घोष जी, बहुत ही सुंदर कविताएं, मारक कविताएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ हिंदी कवि, कथाकार, आलोचक एवं संपादक डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी को। जयप्रकाश कर्दम जी की विभिन्न विधाओं में 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें
प्रकाशित है, जिनमें कविता की चार पुस्तकें शामिल हैं। दलित साहित्य नामक एक वार्षिकी का प्रकाशन आप 1999 से निरंतर प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी दिल्ली, भारतीय दलित साहित्य अकादमी सहित अनेक संस्थाओं के पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान जी, नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा दिवेश जी, साहित्य अकादमी की ओर से जैसा आपने सूचना दी बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि साहित्य अकादमी भी केवल दलित चेतना के आयोजनों में ही दलित लेखकों और साहित्यकारों को क्यों बुलाती है, अन्य आयोजनों में क्यों नहीं बुलाया जाता। ये एक तरह की अस्पृश्यता है, ये एक तरह का भेदभाव है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं सार्वजनिक मंच से। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है करदम जी, बहुत से कार्यक्रमों की आप सूची देखेंगे तो उसमें इस तरह की चीज आप नहीं पाएंगे। आपने ऐसा क्यों चिन्हित किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें जो दलित चेतना के कार्यक्रम नहीं थे, फिर भी उनमें दलित लेखकों की भागीदारी, पिछड़े वर्ग के लेखकों की भागीदारी, स्त्री लेखकों की भागीदारी, हर तरह के लेखकों की भागीदारी, पिछले 20 साल से तो मैं कार्यक्रमों को देख रहा हूँ उसमें इस तरह की रहती है। ये है कि कुछ लेखक, इतने लेखकों की इतनी बड़ी संख्या है कि कुछ न कुछ लेखक किसी न किसी कारण से बुलाने से रह जाते हैं, लेकिन उन सब की ओर अकादमी का ध्यान गया है और उस ओर हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें अभी तक हम मंच नहीं दे पाए हैं उन्हें मंच दें और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कविताओं के साथ आपका स्वागत। मैं आता हूं। तो मैं सबसे पहले कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं। एक छोटी सी कविता है, जिंदगी कुहासे में ढकी सर्द सुबह सी जिंदगी पग पग ठहरती ठिटकती है, एक टुकड़ा धूप को तरसती है। दूसरी छोटी सी कविता, भूख जो हम कई बार रेलवे स्टेशनों पे या कहीं पर भी वो भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हैं, 8-10 साल की एक लड़की भीख मांगती है उसके ऊपर, उसकी भूखी उदास आंखों ने जिस ओर भी आशा से देखा है, हर चेहरे पर काम और कुटिलता की रेखा है। अगली कविता, पोस्टर चौराहे पर चिपके पोस्टर पर छपी नंगी औरत की देह मेरे जहन में अटकी है, यह प्रगति का आयाम है कि सभ्यता सलीब पर लटकी है। एक और छूट, आग मैं उबलते पानी की भाप हूं, मैं उबलते पानी की भाप हूं, पानी नहीं आग। एक और छोटी सी कविता, प्रदूषण हवाओं तुम पूरब से बहो या पश्चिम से, अपनी मर्यादा में रहना, बहुत ठंडी या बहुत गर्म होकर प्रकोप मत मचाना, नहीं तो तुम्हारे प्रकोप से बचने के लिए जलानी पड़ सकती है मुझे आग, गीले सूखे उपले लकड़ी या फूस पत्तियों से, चलाने पड़ सकते हैं मुझे पंखे और कूलर जनरेटर से, जिससे फैलेगा धुआं, प्रदूषित होगा वातावरण और बचोगी नहीं प्रदूषित होने से तुम भी। एक और छोटी कविता, दरख्त कि आंधियों अब हवा हो जाओ, आंधियों अब हवा हो जाओ, ज्यादा फाई फाई मत मचाओ,
बहुत आतंक मचा लिया है तुमने, तुम्हारे आतंक से नहीं डरेंगे, तुम्हारे प्रहारों से नहीं गिरेंगे, दरख्त हो गए हैं अब मेरी बगिया के पेड़। एक और छोटी कविता, सूरज, और बैठा दी की तरह उसके भी कई हैं। नंबर एक, रोज उदय होता है अस्त हो जाता है, रोज उदय होता है अस्त हो जाता है, कब उदय होकर अस्त नहीं होगा मेरी उम्मीदों का सूरज। नंबर दो, वैभव के अंब में रोज चमकता दमकता है, अभाव की थाली में कब उतरेगा रोटी का सूरज। तीन, उत्ताप अटारी को रोज गर्माता मदमाता है, ठिठुरते आंगन को कब गर्माएगा मेरी जरूरतों का सूरज। अब इसके बाद में एक दो कविताएं, ये कविता है, तुमने कहा ईश्वर परम पद है, उसकी प्राप्ति जीवन की चरम उपलब्धि है। तुमने बतलाया ईश्वर दारिद्र में वास करता है, दीन दलित ही ईश्वर की सच्ची संतान है, इसीलिए वे दरिद्र नारायण हैं, हरिचर हैं। ईश्वर को वे सर्वाधिक प्रिय हैं, ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न रहता है। तुमने यह भी बतलाया कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जो जितना छोटा कर्म करता है वह उतना बड़ा होता है, जो दूसरों की सेवा करता है वह धर्म का काम करता है, पुण्य कमाता है, स्वर्ग में जाता है। नर सेवा नारायण सेवा है, यह भी तुम्हीं ने बतलाया। तुम्हारी हर बात को हम आप वचन की तरह मानते आए हैं, वो तुम्हारी सेवा पूरी धर्म भावना से करते आए हैं। हजारों साल से हम सेवा कर्म करते दमन और दारिद्र में जी रहे हैं, हरि कृपा का अमृत पी रहे हैं। तुम्हारी महानता है कि हमको परमानंद का अमृत देकर तुम स्वयं इस तुच्छ और मिथ्या जीवन के वैभव और संपन्नता का जहर पी रहे हो, नरक में जी रहे हो। स्वयं को डुबोकर तुम इस भवसागर से हमको तर रहे हो, हम पर शासन कर रहे हो। हम जानते हैं कि तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहोगे, सदा सर्वदा हमें अमृत देकर स्वयं जहर पीते जाओगे, किंतु हम कृतघ्न नहीं है, तुमको निरंतर जहर हम अब और नहीं पीने देंगे। तुम अभाव और निर्धनता में रहो, वैभव और संपन्नता का जहर अब हम पिएंगे। तुम दीनहीन रहो, तुम पर शासन अब हम करेंगे। हे पुण्यात्मा, हमारे लिए बहुत कर चुके, अब अपने लिए कुछ कीजिए। आ चुके हैं, परम आनंद को पा चुके हैं, परम आनंद को अब तुम पाओ, परम आनंद को अब तुम पाओ। मुफ्त की खाना छोड़ो, मेहनत से कमाओ और करो वह सब जो करना पड़ा है हम। एक अगली कविता है, बेमानी है आजादी, नहीं निकल सकता जो आज भी पहनकर नए कपड़े कितने ही गांवों में, नहीं निकल सकती जिसकी घोड़ी पर बारात, जूझता है जो पेट की क्षुधा से रात दिन कमाकर भी, विवश है काटने को कभी कभी फाके की, नहीं बैठ सकता जो आज भी सवर्णों के सामने खाट पर, नहीं कर सकता मुंह उठाकर बात, वो 60 साल का बूढ़ा भी दूध मुहे बच्चों तक को निमिया कर कहता है बाप। बंधुआ है जो आज भी कई पीढ़ियों की जिंदगी साहूकार के नाम,
गांव की पंचायत है जिसकी सुप्रीम कोर्ट, सिपाही अमीन और पटवारी हैं जिसकी सरकार, जी रहा है जो स्वराज्य में भी गुलामों सी जिंदगी झेल रहा है, निरंतर हिंसा और वर्जनाओं के प्रहार, पिलाकर दारू, थमाकर 10-20 रुपये या दिखाकर बंदूक का भय, नहीं फटकने दिया जाता जिसे पोलिंग बूथ तक, नहीं देखा जिसने आज तक मतपत्र, नहीं किया कभी मतदान, निषिद्ध है जिसके लिए आज भी बहुत से सार्वजनिक स्थल, निषिद्ध है शासन और सत्ता के प्रतिष्ठान, बेमानी है उसके लिए आजादी और लोकतंत्र की बात, बेमानी है उसके लिए आजादी और लोकतंत्र की बातें, व्यर्थ हैं संसद और संविधान, नहीं चाहिए उसे नीति और धर्म की शिक्षा, नहीं चाहिए अध्यात्म का ज्ञान, उसे चाहिए रोटी और सम्मान। और एक और कविता मैं सुना देता हूं, इसका शीर्षक है चलो ये नहीं आ रही है, जो मेरे सामने दूसरी कविता आ रही है मैं वो पढ़ देता हूं। ये लीजिए, बस्तियों से बाहर, एक छोटी सी कविता कि बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे रहते, खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वे दंश दिया करते। किसने किसको क्या दिया, क्या लिया, छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। और सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, कहां होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद करदम जी। और इसी के साथ मैं हमारे तीनों प्रतिभागियों का, मुसाफिर जी का, चंद्र घोष जी का और करदम जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा अकादमी की तरफ से। मित्रों, अकादमी की यह ऑनलाइन साहित्य श्रृंखला विभिन्न भाषाओं में लगातार जारी है और उसे हम YouTube और Facebook पर लगातार अपलोड कर रहे हैं। आप लोग जिस भी भाषा में रुचि रखते हो, कविता, कहानी, विचार विमर्श, हर तरह के कार्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसे रुचि के साथ जरूर देखें। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।